हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, हाई कोर्ट इलाहाबाद आरओ और एआरओ की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब तक जारी कर दी जाएंगी, क्योंकि उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं कि आरओ और एआरओ की जो रिज़ल्ट में इतनी विलंब क्यों हो रही है। दोस्तों, फाइनली रिज़ल्ट को लेकर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल कर आ रही है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बताया था रिज़ल्ट को लेकर, आखिर यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड डिले क्यों कर रहा है, आखिर उसी वजह के कारण यहां पर जो है रिजल्ट में डिले हो रही थी और उम्मीदवारों को अभी कब तक इंतजार करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। क्योंकि यह जो न्यूज है एनटीए द्वारा यहां पर यह कंफर्म किया गया है कि जो परिणामे हैं वो यहां पर कब तक जारी कर दी जाएंगी। साथ ही दोस्तों, जो परिणामे हैं उससे पहले रिवाइज आंसर जो की है वो यहां पर कब तक जारी कर दी जाएंगी उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये एनटीए ने ये कंफर्म किया है कि जो आरओ और एआरओ की जो फाइनल परिणामे हैं वो यहां पर कब तक जारी हो सकती हैं। दोस्तों, परिणामे से पहले बात कर लेते हैं कि आप सभी की जो रिवाइज आंसर की है वो यहां पर कब तक जारी कर दी जाएंगी। दोस्तों, रिवाइज आंसर की आप सभी की जो है रिजल्ट से एक दिन पहले जारी कर दी जाएगी, यहां पर यह अपडेट निकल कर आ रही है। पर दोस्तों, रिजल्ट कब तक जारी कर दी जाएगी? दोस्तों, यहां पर कॉल द्वारा एनटीए ने यह कंफर्म किया है, क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा और हमारे चैनल स्टडी जोन के द्वारा एनटीए में कॉल किया गया था और एनटीए के कर्मचारियों का यह कहना है कि मार्च के सेकंड वीक में आप सभी की जो है आरओ और एआरओ की जो परिणामे हैं वो यहां पर जारी कर दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप वहां से उस वॉइस को डाउनलोड कर सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर ये एनटीए ने यह कन्फर्म कर दिया है कि जो परिणामे हैं कि जो आपकी सेकेंड वीक ऑफ मार्च में जारी कर दी जाएंगी। यानी कि दोस्तों, सीधा इसका प्रभाव इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की जो रिजल्ट में विलंब हो रही है वह सीधा जो आप सभी का प्रभाव पड़ रहा है रिजल्ट पर, वो यहां पर यूपी के अंदर इलेक्शन का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पर उम्मीदवारों का यह कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को रिजल्ट से यहां पर इलेक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिर एनटीए ने यह कंफर्म कर दिया कि मार्च के सेकंड वीक तक जो है आप सभी के परिणामे जारी कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, यह सीधा सीधा इस चीज का जो संकेत करता है कि चुनाव के कारण ही रिजल्ट को यहां पर रोका गया था। और साथ ही दोस्तों, एनटीए ने यह भी कंफर्म कर दिया कि सिर्फ हमें परिणामे जारी करनी है, जो भी आगे की प्रोसेस है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इस प्रोसेस को आगे करेगी। तो यहां पर दोस्तों, यह सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप तक शेयर किया गया। फिर भी आपको किसी तरह कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए पूरी सहयोग की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।